इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। हुगली नदी के तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है कोलकाता का दक्षिणेश्वर मंदिर, जो देश के सबसे ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। इसे सन 1854 में जान बाजार की रानी रोशमणी ने बनवाया था। इस मंदिर की मुख्य देवी भवतारिणी है, जो कि मान्यता अनुसार हिंदू देवी काली का एक रूप है। माना जाता है कि प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण रानी रोशमणी ने एक सपने के बाद करवाया, जो उन्होंने बनारस की तीर्थ यात्रा पर जाने के पहले देखा था। सपने में मां काली ने उन्हें मंदिर निर्माण करने का निर्देश दिया था। रानी की एक दीर्घकालीन योजना थी, जिसे वह निभाने में जुट गई जब उनके पति की काली मंदिर के निर्माण की इच्छा पूरी होने से पहले ही मृत्यु हो गई। सपने ने रानी को इस तरह प्रभावित किया कि उन्होंने अपने विश्वसनीय लोगों को काली मंदिर के निर्माण के लिए प्लॉट की तलाश करने का निर्देश दे दिया। उपयुक्त प्लॉट के लिए बड़े पैमाने पर ढूंढने के बाद दक्षिणेश्वर गांव में 20 एकड़ का प्लॉट चुना गया। इस जमीन का एक हिस्सा यूरोपीय ईसाई का था, जबकि दूसरा हिस्सा मुस्लिम कब्रिस्तान का। इसी प्लॉट पर रानी ने एक हिंदू मंदिर का निर्माण 1847 में शुरू किया। ये वो समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर राज कर रही थी। रानी रोशमणी ने अपने गुरु रामकुमार के नाम पर मंदिर समर्पित किया, जो कि मंदिर के मुख्य पुजारी थे, जिन्होंने नए मंदिर में मां काली की मूर्ति 31 मई 1855 में स्थापित की। एक साल के भीतर वह चल बसे और मंदिर संभालने का जिम्मा आया उनके छोटे भाई रामकृष्ण पर। रामकृष्ण, जो इतिहास में रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनका इस मंदिर से गहरा नाता बन गया। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार में सभी धर्म सच्चे हैं और इनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुंचने के केवल भिन्न भिन्न साधन हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के भी गुरु हुआ करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर मां काली ने दर्शन दिया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से ही लगा हुआ परमहंस देव का कमरा है, जिसमें उनका पलंग तथा दूसरे स्मृति चिन्ह सुरक्षित हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर परमहंस की धर्मपत्नी श्री शारदा माता और रानी रोशमणी की समाधि मंदिर भी है। मंदिर के उद्घाटन के कुछ ही साल बाद रानी रोशमणी का स्वर्गवास हो गया। इस मंदिर की स्थापना करते समय रानी की इच्छा थी कि सभी जाति और धर्म के तीर्थयात्री मंदिर में प्रार्थना कर सके। आज उनका ये सपना पूरा होते दिखाई पड़ता है, क्योंकि धर्म और जाति के बावजूद आज दक्षिणेश्वर मंदिर देश के कोने कोने से आने वाले लाखों भक्तों से रोमांचित है, जो रानी रोशमणी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।